रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक इन आवर चैनल। आज हम आपसे बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करने वाले हैं। हम बना रहे हैं प्याज करेले। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैंने आधा किलो करेले ले लिए, आधा किलो प्याज ले लिया। करेलों को मैंने अच्छे तरीके से धोकर काट लिया है। अब मैं इनकी कड़वाहट दूर करूँगी और प्याज को मैंने छील लिया, इसको मैं काट लूँगी। तो बाकी इंग्रेडिएंट्स मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी। करेलों की कड़वाहट दूर करने के लिए मैंने एक पतीले में पानी ले लिया, इसके अंदर मैंने करेले डाल दिए और उसको मैंने चूल्हे पर चढ़ा दिया। तकरीबन जब ये पानी उबलेगा और 1 से 2 मिनट करेले इसमें बॉयल होंगे और फिर मैं इनको निकाल के निचोड़ लूँगी। हमारे करेले बॉयल होते हैं, मैं इतनी देर में प्याज को चॉप कर लेती हूँ। आधा किलो प्याज के साथ आधा किलो टमाटर का पेस्ट भी बना लूँगी। करेले को हमने तकरीबन 3 मिनट तक बॉयल कर लिया, ज़्यादा बॉयल नहीं करना इनको। और अब हम चूल्हे बंद कर देंगे और इनको ड्रेन कर लेंगे। हमारा प्याज भी कट चुका है, टमाटर का पेस्ट भी हमने बना लिया है। करेले को अच्छे तरीके से ड्रेन कर लिया, अब इनका तो कोई पानी नहीं है। एक पैन में मैंने ऑयल ले लिया और इसके अंदर अब ये करेलों को मैं फ्राई करूँगी। फ्लेम को मैं मीडियम रखूँगी, बहुत तेज़ नहीं करना, बहुत स्लो भी नहीं करना। एक करेले फ्राई हो चुके हैं, मैंने इनको डीप फ्राई नहीं किया, शैलो फ्राई किया। मैंने इनको प्लेट में निकाल लिया है। डाला था तकरीबन 1/2 कप से थोड़ा सा कम, 1/4 कप डाला था। इसी ऑयल के अंदर मैंने 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, इसको मैं फ्राई कर लूँगी। इसके साथ ही मैं 1 टेबल स्पून जीरा इसमें डाल दूँगी। ये फ्राई होने लगे तो साथ ही मैं मसाले डाल दूँगी इसमें। 1/2 टेबल स्पून मैं हल्दी डालूँगी, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट, और इनको भी साथ में फ्राई कर लेंगे हल्का सा। मैं टमाटर का पेस्ट डालूँगी, हम फुल तेज़ करेंगे, इनको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। 1-2 मिनट फ्राई करने के बाद हम इसमें डाल देंगे करेले। करेलों को भी तकरीबन 2 मिनट में मैंने इसमें फ्राई कर लिया है। अब मैं इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए कवर लगाऊंगी। 2 मिनट बंद किया था हमने इसको। अब मैं इसके अंदर प्याज डाल दूँगी। प्याज डालने के बाद आंच को मैं थोड़ा साइज़ता कर दूँगी, मीडियम टू लो कर दूँगी। और अब हम इसको मिक्स करके दोबारा तकरीबन 3 मिनट के लिए कवर लगा देंगे। 3 मिनट के बाद हमने कवर उतारा है, करेले हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको डिश आउट करते हैं, चूल्हे को बंद करते हैं। हमने करेलों को डिश आउट कर लिया और हमारे ज़बरदस्त से गरम गरम करेले तैयार हो चुके हैं। हम इनको तंदूरी रोटी के साथ पेश करेंगे। जस्ट 15 मिनट के अंदर हमने इनको तैयार कर लिया है। आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।